गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.1, राइट? यही करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज इन प्रोग्रेस। उसके हमने दो तीन क्वेश्चंस किए, बेसिक क्वेश्चंस, और धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन के साथ एक नया फिगर, एक नई स्टोरी समझ में आएगी, ठीक है। अभी तक हमने कैसी कैसी स्टोरी सीखी, अभी तक हमने रोप को खंबे से बांधने की स्टोरी देखी, देन फिर हमने पतंग को स्ट्रिंग से बांधने की भी स्टोरी देखी, फिर हमने पेड़ के टूटने की भी स्टोरी देखी। कुल मिला के सारी स्टोरीज अल्टीमेटली राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो रही है, जो जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं। अब देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज होती है, ठीक है। सारी हर एक क्वेश्चन में एक नई स्टोरी है, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हैज बीन डन, एक आगे का एक होमवर्क दिया है, तो सीक्वेंस में चलते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है सबसे पहले, आज का पहला क्वेश्चन है। स्टार्ट करें, रीड आउट करें, ठीक है। पहली चुनौती होती है क्वेश्चन को पढ़ के करेक्ट फिगर बनाना, सबसे पहली चुनौती। हाँ जी, समाज कल्याण करो आप दोनों, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, देश हित में अग्रसर हो जाओ। ये ज्यादा हित नहीं हो पाया, थोड़ा ज्यादा हित करो, और थोड़ा ज्यादा हित करो, आप आगे आ जाओ और आप इस कोने पे आ जाओ, नहीं वहां पे थोड़ा कम हित होता है। और बेटा देश की बात है, ओके। अभी 15 अगस्त भी आ रही है फिर, है ना, तो कम से कम अगस्त के महीने में तो देशभक्ति दिखाओ। वैसे नहीं दिखाते इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो 12 महीने दिखानी चाहिए, पर चलो वैसे नहीं दिखाते, कम से कम अगस्त के महीने में तो दिखाओ, देश आजाद हुआ था भाई। चलो आओ, एक कॉन्ट्रैक्टर, आवाज नहीं, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। हाँ, लड़ ले और लड़ ले, कर ले अपनी बड़ा से काल, और कुछ सुनाना है और सुना दे। नहीं, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। अगेन स्लाइड वाला क्वेश्चन आ गया, हमने किया था शायद स्लाइड वाला क्वेश्चन पहले भी, सीढ़ी से चढ़ने वाला उतरने वाला नहीं किया था। अच्छा, वो 9th में हुआ था। हाँ ठीक है, तो स्लाइड जो होती है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल का रूप लेती है, रहती है ना। वैसे तो स्लाइड ऐसे होती है देखो, पर इसमें हम स्लाइड राइट एंगल ट्राइंगल मानेंगे, तो हम ऐसे मानेंगे, हम मानेंगे कि उसकी जो सीढ़ियां बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है ना, बिल्कुल ऐसी खड़ी सीढ़ियां भी होती है ना, वैसे सीढ़ियां हैं, और एक ऐसी भी होती है, तो हमको राइट एंगल ट्राइंगल मानना है, तो इसलिए हम सीढ़ियां ऐसे मानेंगे और स्लाइड ऐसे मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, तो एक कॉन्ट्रेक्टर है, इसने 2 तरह के स्लाइड्स को प्लान किया है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स एज, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए छोटी स्लाइड है, जिसकी हाइट कितनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये सारी बातें जो है ना, कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए छोटी स्लाइड है, बड़ी स्लाइड है, ये सब स्टोरीज हैं। अल्टीमेटली आपको तो मेन बात को पकड़ना है और जल्दी से जल्दी फिगर बनाना है, ठीक है ना। कई बच्चे स्टोरी में ही खो जाते हैं कि सर 5 साल से छोटे बच्चे हैं, तो फिर ये ज्यादा नहीं रहेगी उनके लिए। हाँ, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड है वो 1.5 मीटर तो टॉल है, मतलब ऊंचाई है, ठीक है। और स्लाइड ऐसे होगी, देखो स्लाइड ऐसे होगी, और वो ग्राउंड से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है वो स्लाइड, 30 डिग्री। बन गया पहला पहला फिगर बन गया। इसमें स्लाइड कौन सी जगह है बताओ, इसमें स्लाइड ये है, ऑब्वियसली स्लाइड ऐसे तो होगी नहीं, ऐसे थोड़ा दम गिरेगा कोई, ऐसे तो स्लाइड होगी नहीं, है ना, और स्लाइड ऐसे भी नहीं होगी, स्लाइड ऐसे ही होगी डायगनली, ठीक है ना। इसमें जो रेड मार्क है ये है एक्चुअल स्लाइड, ठीक है। आगे बढ़ो, अब जो एल्डर चिल्ड्रन है उनकी हाइट बढ़ा दी, 3 मीटर कर दी, यानी कि थोड़ी सी हाइटेड वाली उनकी स्लाइड है, मतलब ऊंचाई, और ये स्लाइड, ये तो स्लाइड की ऊंचाई है, ये तो स्लाइड की क्या है, ऊंचाई। और मैंने क्या कहा था, ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ऊंचाई चाहे से ऑब्जेक्ट टेढ़ा हो मेढ़ा हो कैसा भी हो, पर जब उसकी ऊंचाई की बात करी जाएगी तो उसके टॉप वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच के ही उसकी ऊंचाई की बात करी जाए। समझ आया, ठीक है ना, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो बेटा फिर से सुनो, मान लो स्लाइड तो ऐसी है, अब इसकी स्लाइड की जब भी ऊंचाई की बात करी जाएगी कि स्लाइड कितनी ऊंची है, तो आप ऊंचाई पता है कहां से नापेंगे, इसके टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर ग्राउंड पे खींच कर ही इसकी ऊंचाई नापी जाएगी, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ऑब्जेक्ट चाहे से कैसा भी हो। क्लियर है, यही तो कारण है कि ट्राइंगल की हाइट अपन ये मानते हैं,
ट्राइंगल की हाइट क्या मानते हैं अपन? ये मानते हैं ये टॉप वाला पॉइंट है ट्राइंगल का और परपेंडिकुलर खींचते हैं, इसी को ट्राइंगल की हाइट मानते हैं, नहीं मानते बताओ? तो हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसे ही नापी जाती है, ठीक है डन। अब जो ये बड़ी वाली स्लाइड है, ये तीन ये स्टीप स्लाइड है, स्टीप मतलब ज्यादा ऊंची है 3 मीटर और इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। अब ये ग्राउंड से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है लाइक दिस, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? तो हमेशा हमको दोनों क्वेश्चन में लेंथ ऑफ स्लाइड चाहिए, यानी स्लाइड की लंबाई। स्लाइड क्या थी? हाइपोटेन्यूस। दैट मींस हमको क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूस की लंबाई चाहिए। तो क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ऐसे है कि थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए स्टोरी बना दी। और एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, एक बार 1.5 मीटर हाइट लेके 30 डिग्री लेके सॉल्व करना है, एक बार 3 मीटर हाइट लेके 60 डिग्री लेके सॉल्व करना है। और क्या करना है? बस इतना सा ही काम करना है, ठीक है। शुरू करें? ओके। तो सबसे पहले फॉर चिल्ड्रन बिलो, दो कैटेगरीज बना लेते हैं, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। क्या कोई यहाँ पे चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स? तो ये हो गई उसकी स्लाइड, ये हो गया ग्राउंड, और एक्चुअल जो स्लाइड है वो ये वाली। डन। लेट्स से इस ट्रायंगल को ले लेते हैं हम ए बी सी। तो कितनी हाइट है इसकी? 1.5 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ग्राउंड से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? ये 30 डिग्री, ठीक है डन। तो इस वाले स्लाइड के जो हमको गिवन पॉइंट्स लिखने हैं उसको लिख लेते हैं हम। सबसे पहले हमको गिवन है हाइट ऑफ द स्लाइड, हाइट ऑफ द स्लाइड दैट इज ए बी। ए बी कह सकते हैं उसको, कितने गिवन है? 1.5 मीटर, डन, ठीक है। और एंगल मेड बाय द स्लाइड विद द ग्राउंड, या एंगल बिटवीन द स्लाइड एंड द ग्राउंड, बिटवीन द स्लाइड एंड द ग्राउंड, उसको थीटा कह सकते हैं, बोलिए। दैट इज थीटा। कुल मिला के हर एक क्वेश्चन में हमको एक एंगल और एक साइड तो ट्राइंगल की चाहिए ही चाहिए, वही पकड़नी है गिवन पॉइंट्स। दैट इज थीटा इक्वल टू, बोलो क्या? 30 डिग्री गिवन है ना? ओके, थीटा के अकॉर्डिंग इस फिगर के अंदर मार्क भी कर लो। दिस विल बी अपोजिट साइड, दिस विल बी एडजेसेंट साइड, यस और नो? एंड दिस विल बी व्हाट? कोई डाउट यहां तक? बोलिए, नो डाउट? बड़े हम आ गए हम। चले आगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो अब हमको क्या चाहिए? लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो स्लाइड तो ये ब्लू कलर की है ना, तो यानी कि ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। दैट मींस हमको हाइपोटेन्यूस चाहिए, और दिया हुआ क्या है हमको? ये कौन सी साइड है? अपोजिट साइड। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मिलता है? साइन। दैट मींस हमको साइन सी लगाना है, साइन 30 डिग्री लगाना है, समझ गए? ओके। सो एक बार इसको ट्राइंगल की नजर से देखें। सो इन ट्राइंगल एबीसी क्या क्या चीजें गिवन हो गई? एक तो एंगल एबीसी 90 डिग्री, दूसरा एंगल एसीबी 30 डिग्री, तीसरा एबी कितना? 1.5 मीटर, बोलो। और एसी हमको पता करना है, एसी हमको पता करना है। क्वेश्चन मार्क हो गया क्वेश्चन सेट। ठीक है, चलिए। वी नो दैट साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको अप्लाई करना है, ये हमने डिसाइड कर लिया है। तो वी नो दैट साइन थीटा, या तो सी लगा दो, सी नहीं तो फिर हमने थीटा से भी मार्क किया, कैसे भी लिख सकते हो, थीटा लगा दो चलो। साइन थीटा इक्वल टू, बोलो क्या होता है? वाई फॉर्मूला, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। वंस कहाँ गए थे आप इतने दिन? कल नहीं आए थे ना? और परसों? परसों आए थे? सक्षम कल आया था ना? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय व्हाट? करण कहाँ गया है? क्या? अच्छा, वो बोल रहा था उसके कोई स्पोर्ट वगैरह है, गेम ओलंपिक। हाँ,
ठीक है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। चलिए तो दैट इज साइन थीटा, थीटा की वैल्यू बोलो क्या है, 30 डिग्री दिख रही है आपको, 30 डिग्री। अपोजिट साइड क्या है, देखो फिगर में देखो, अपोजिट साइड क्या है, ए बी, और फिगर में देखो जरा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। चलो अब वैल्यूज पुट अप करने की बारी, सो साइन, एक मिनट रुक जाओ, बोलो तन्नू, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। यस वेरी गुड। अब जिससे पूछूं आगे वाली एक्सरसाइज में, जिसकी वैल्यू वो जवाब देगा, ठीक है ना, क्योंकि अब तो बिल्कुल एंड ऑफ द टॉपिक पे ही पहुंच गए हैं, अभी भी याद नहीं है तो फिर अब हो भी नहीं सकता, ठीक है। आपको याद है वंश, याद है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, याद है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा, रेडी रहना। ओके, ए बी, ए बी कितना की बने, चेक करो, तो लिख दूं मैं 1.5, और ए सी तो मुझे पता करना ही है, तो ए सी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ए सी बन जा, और 1.5 × 2 करना है, राइट, 1.5 × 2, सो ए सी इंटू 1 ए सी, और 1.5 × 3, तो ए सी आ गई मेरी 3 मिली, 1.5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, यस सर। ठीक है। तो अब इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरह नीचे ऊपर लिख देता हूं मैं, हैंस हैंस द हाइट ऑफ द हैंस द हाइट ऑफ द स्लाइड, सॉरी नॉट हाइट, हाइट तो की मैंने लेंथ, लेंथ ऑफ द स्लाइड, चेक कर रहा था आप कितने अटेंटिव हो, लेंथ ऑफ द स्लाइड दैट इज ए सी इक्वल टू 3 मीटर, डन, ठीक है। चलिए सबने नोट डाउन कर लिया यहां तक, यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने, ओके हो गया, हो गया नोट डाउन, पीछे से कृतिका हो गया, आप नहीं आए थे कल, परसों नहीं आए थे, कल आए थे, चलो नाउ एवरीवन ड्रॉप योर पेंस। अब देखो स्क्रीन पे अगला वाला पार्ट होमवर्क है, मतलब जो बड़ी स्लाइड है, 5 साल से बड़े बच्चे हो ना सारे के सारे, सर ये कौन नहीं है, मयंक, इसको आधार कार्ड लाके दिखाना तेरा, ठीक है। तो अब देखो कोई भी लिखेगा नहीं, सब लोग इधर देखेंगे, तो अबव 5 ईयर्स के लिए क्या क्या रूल्स चलेंगे, 5 ईयर्स के लिए अबव के लिए रूल्स हैं कि जो स्लाइड है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन होनी चाहिए, पहली चीज क्या, तो लिखा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन लिखा हुआ है, यानी कि जो बच गए वो सारे उस कैटेगरी में, एग्जैक्ट 5 साल वाले भी उसी कैटेगरी, ठीक है ना, 5 साल से छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे हैं उनकी उनके हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से, और जो बच गए वो सारे एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ आप, तो कहाँ थे हम, ये तो हो जाएगा 60 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है, और हाइट कितनी गिवन है, स्लाइड भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी उनके लिए, तो डबल कर दी। अब कई बच्चे तो ये भी कर देते हैं, सर हाइट बड़ी डबल हो गई ना, तो लंबाई भी डबल कर दो 6 मीटर, यस सर। ये होता अगर एंगल सेम रहता, ये एक्चुअली होता अगर एंगल सेम रहता, 30 डिग्री का 30 डिग्री ही रहता ना, तो इधर जैसे ही मैं 1.5 का दुगना करता ना, तो 3 का दुगना हो जाता, ये वाकई में अप्लाई होता, बट एंगल भी चेंज हो गया है, तो अब नहीं होगा, ठीक है, एंगल 60 डिग्री हो चुका है, तो अब आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो चलो भाई अब सेकेंड वाला जो फिगर आप बनाएंगे उसका नाम आप कुछ भी अपने हिसाब से रख लीजिएगा, पी क्यू आर रख लीजिएगा, होमवर्क पार्ट में मार्क कर लो, अभी के लिए हम एबीसी रख देते हैं, इसमें बस चेंजेस देख लो और आंसर मैच कर लो, और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कैलकुलेशन रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लो। 60 डिग्री पेन ड्रॉप करने के लिए कहा है ना मैंने, हाँ जी, एबीसी 90 डिग्री, एसी बी 60 डिग्री, एबी कितना है 3 मीटर, और ए सी वही निकालना है सेम टू सेम, और यहाँ पे 30 डिग्री की जगह क्या हो जाएगा आपकी बार 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बताओ वंश, हाँ √3/2, वेरी गुड, √3/2, ठीक है ना, क्या 10 में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको हाँ हाँ ठीक है, भावनाओं को समझ, √3/2, अब 1.5 की जगह 1.5 की जगह 3, डन यहां तक, अब ए सी इंटू √3 हो जाएगा, और 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3, 2 × 3 क्या होता है, अब 2 × 3 को मैं 6 नहीं कर रहा हूं, मैं देखो क्या कर रहा हूं उसको देख लीजिए, 2 × √3 × √3, क्योंकि मेरे पास वहां पर भी √3 है, तो √3 से √3 काट देंगे,
एसी की वैल्यू हो जाएगी 2 √3 √3, तो ऑलरेडी है, और ये √3 इधर आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाना है, √3 से √3 गया, 2 √3 मीटर इज द आंसर। आंसर मैच कर लो एक बार, बड़े बच्चों के लिए 2 √3 मीटर की स्लाइड होगी और छोटे बच्चों के लिए कितने की मीटर की स्लाइड होगी, 3 मीटर की स्लाइड। छोटे बच्चों के लिए बढ़िया आ रही है, नहीं बड़े बच्चों के लिए बढ़िया आ रही है। रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, 1.732, पौने दो का दुगना करेंगे तो 3.5 होगा, तो उनकी 3 मीटर की, इनकी 3.5 मीटर की स्लाइड। ठीक है, क्लियर है। तो ये सेकंड पार्ट हो सकता है होमवर्क, आप उतना स्पेस छोड़ो जितना इसके लिए चाहिए था, इतना का इतना स्पेस में आप अगला पार्ट कर लोगे, चेंजेस ही तो करने, और अगर रेफरेंस लेना हो तो वीडियो में डाल ही देता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। अब एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन पहली बार यूज हो रहा है आपके एक्सरसाइज में, इंट्रोडक्शन हमने कर दिया था, पहली बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, सो थोड़ा ध्यान से देखो इसको, क्योंकि ये पार्ट इज रियली समथिंग जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो याद है सबको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यह बताने की जरूरत है, पता है, बोलो। इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन तो है ही नहीं, ओनली एलिवेशन ही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो हमारी नजर जब ऊपर जाए तो हमारी जो नॉर्मल साइट है और जो फाइनल साइट है उसके बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, समझ आया। अब अगर अपन नीचे खड़े हैं तो जो नॉर्मल साइट है उसको ग्राउंड वाली लेवल मान लिया जाता है, तो यानी कि ग्राउंड के साथ जो हाइपोटेन्यूस का जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। समझ गए, बोलो। कोई एब्सेंट था क्या उस दिन जब इंट्रोडक्शन दिया था, आप एब्सेंट थे? अरे खुजली बहुत होती है, दूर करनी पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ज्यादा खुजली होती है क्या? हाँ, कल एक इच गार्ड लेके आना इसके लिए, उस इच गार्ड को डायरेक्ट मत देना, उस इच गार्ड को डंडे पे लगाना और फिर डंडे की देना, डंडे से इच गार्ड अच्छे से लगता है। ठीक है, होपफुली कल तक आपकी खुजली सही हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं होगी? ओके, चलो आओ आइए क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, देखो ऑफ कब लगाते हैं, ऑफ का मतलब हम कहां जा रहे हैं, यानी टॉप ऑफ द टावर हम जा रहे हैं, और कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये सारे रूल्स याद है ना, उसे इंट्रोडक्शन में क्लियर बताया था। ऑफ ऑफ जब लगाते हैं तो ऑफ के बाद जो चीजें वहां तो जा रहे हैं, और फ्रॉम के बाद जो चीज है वहां से हम निकल रहे हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन पढ़ के एक करेक्ट फिगर बना लेना ही सबसे बड़ी चुनौती है, वो बना लिया तो फिर तो कुछ क्वेश्चन नहीं, तो एवरीवन विल ट्राई, आप कोशिश करो उसका फिगर बनाने की, और उसमें डायमेंशन भी आप, फिगर तो कोई भी बना लेगा सर, ऐसा ही बनेगा, हमको पता है ऐसा ही बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मेन बात यह है कि अब इसमें 30 डिग्री कहाँ है, 30 मीटर का है, ये मार्क करना कि 30 मीटर तो कहां है और 30 डिग्री कहां है, ये लैंग्वेज को रीड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मार्क हुआ कुछ? हुआ? अगर मैंने ट्रायंगल एबीसी बनाया है तो आप मुझे बताएं इस ट्रायंगल के हिसाब से 30 डिग्री कहां पे मार्क होगा, एंगल ए पे, ए से एलिवेशन कैसे होगा? ए से एलिवेशन तो तब होगा जब आप ए के ऊपर किसी बिल्डिंग पे जा रहे हो, ए से तो ऑब्वियसली डिप्रेशन होगा, ए के ऊपर तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है, ए के ऊपर तो आसमान है बेटा, फिर तो फिर डायरेक्ट ऊपर है। ठीक है ना, ए से तो डिप्रेस करोगे आप, तो सी पे बनेगा, ये घंटी मिल गया। अब ये बताओ 30 मीटर कहां बनेगा, 30 मीटर एसी। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि एसी 30 मीटर है? अब बस पिछले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दे रखा था पेड़ की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, तो डायरेक्ट पुटअप हो रहा था। अब यहाँ पे सोचो एसी 30 मीटर कौन कौन मानता है, आप दो बार मानते हो, एक दो, अब आधा ही मानते हो, 1 2 3 4 5 दिया,
बहुत जरूरी काम है, ठीक है ओके। ए बी, सेकेंड ऑप्शन ए बी, कितने लोग मानते हैं कि ए बी 30 मीटर है? ए बी 30 मीटर, कृतिका लीजा, ओ सॉरी जीविका, लीजा वो बेटी, हाँ कृतिका एंड जीविका, केवल दो जने? आप भी, आप हमेशा दो नाव में सवार रहे ना, तो कभी मंजिल पे पहुंचना ही मत। सुना, बिन पहने का लोटा, कभी इधर गुड़क जाएगा कभी इधर गुड़क जाएगा। अरे सही या गलत एक डिसीजन होना चाहिए, सही तो सही गलत तो गलत, हैव सम कॉन्फिडेंस। हाँ ए बी, ए बी आ रहा, ए बी, और फाइनल बीसी, बीसी वाले एक। अच्छा अब बदल दिया आपने, अच्छा मतलब फाइंड द हाइट अगर नहीं होता तो फिर आपका आंसर ए बी होता। मतलब आप देखो मनन, आप मतलब यहां तक पढ़ते टाइम आप नहीं निकाल सकते, आपको एक स्टेटमेंट की और जरूरत है पता करने। भाई हाइट तो पूछ रहा है, हाइट तो पूछ रहा है, तो हाइट तो ए बी होती है, तो सर ने बताया था, तो हाइट तो पूछ रहा है, तो दे कैसे सकता है? ऐसे तो नहीं देगा कि हाइट ही दे देगा और हाइट ही पूछ लेगा, तो यहां से हिंट ले लिया इसने। हाँ जी, सो द करेक्ट आंसर इज बी सी। अब सुनिए, अब सुनिए, सुनिए बच्चों, सुनिए सुनिए। इनफैक्ट ग्रामर पढ़ने वाले बच्चे तो इसको डिकोड कर सकते थे जो ग्रामर क्लासेस में आते हैं, और जो नहीं आते हैं, जो नहीं आते हैं, जो नहीं आते हैं, मतलब जो आते हैं और फिर भी नहीं जवाब दे रहे हैं, तो वो ध्यान दें ग्रामर क्लासेस पे थोड़ी सी, केवल टाइम पास के लिए ना है। अब देखिए इधर, इधर देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे कॉमा दिख रहा है सबको, इस जगह कॉमा दिख रहा है, तो मैंने क्या कहा है आपको कि कॉमा से जब चीजें सेपरेटेड हो, एक कॉमा यहाँ दिख रहा है, एक कॉमा यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ये? नॉट ओनली इन मैथ्स, आप इसको मतलब एक लैंग्वेज का पार्ट मान के चलें, किसी भी सब्जेक्ट में ये चीज, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो इसे तोड़ के पढ़ें। कैसे तोड़ के पढ़ें? चर्चित पढ़ाओ, इरेजर इरेजर क्या बुक में मिटाएगा? क्या वो कॉमा मिटाएगा? क्या करेगा? बैठ। हाँ तो ये कॉमा और ये कॉमा के बीच की इंफॉर्मेशन को एक बार इग्नोर करके अब सेंटेंस पढ़ो, तो एक इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। अब पढ़े इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब तक तो पता ही क्या लग रहा था, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अभी तक तो पता ही क्या लग रहा था, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, लेकिन जबकि ये फुट ऑफ द टावर के आगे कॉमा लग रहा है, यहां से स्टार्ट हो रही है यहां से, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको अलग से, बिल्कुल बिल्कुल पहले वो इंफॉर्मेशन पढ़ के बाद में इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो, ठीक है? हाँ कॉमा तो कहीं भी आ सकता है, कॉमा को कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होता है सच, ठीक है? आ जाइए, यहां तक क्लियर है? अब सेकंड इंफॉर्मेशन कौन सी है जो अभी हमने इग्नोर कर रखी है, अब केवल उसको पढ़ो, अब केवल और केवल उसी को पढ़ो, तो उसको पढ़ रहे हैं, देखना ध्यान। तो इसमें लिखा हुआ है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, टावर का फुट बी है तो बी से 30 मीटर दूर है, जो कि, अब ये जो कौन है, ये जो होता है, क्या होता है ये जो? जो किसके लिए यूज होता है? जो इससे पहले चीज आ रही है, तो इससे पहले क्या चीज आ रही है? ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये जो ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड है ना, ये है इसके फुट से 30 मीटर, तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड तो सी है ना, पॉइंट ऑन द ग्राउंड तो सी है, ये सी इसके फुट से 30 मीटर दूर। जैसे मैंने कहा राम मेरा फ्रेंड है जो कि एक डॉक्टर है, तो जो किसके लिए आया? उस डॉक्टर, उस फ्रेंड के लिए आया, ठीक है ना? तो ये जो जिसने, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउंस, क्या बोलते हैं? तो इनकी इनकी इंफॉर्मेशन निकालिए, तो जस्ट पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन को पकड़ो, ठीक है ना? अगली पूरी बात इनके लिए कही गई है, इस पॉइंट के लिए कही गई, तो ये पॉइंट जो है वो 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर से, समझे क्या? ठीक है, अभी हुआ पूरा क्वेश्चन डिकोड, और एक बार अगर क्वेश्चन डिकोड हो गया तो शायद ही कोई बच्चा होगा अब इस क्वेश्चन को जो ना कर पाए। बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्या ही बचा इसमें, क्या करोगे? तो इसके, हाँ होमवर्क करोगे, लेकिन आंसर बता दो, प्रेजेंटेशन पार्ट आप होमवर्क करोगे, 30 डिग्री के सामने वाली साइड। अच्छा कितनी देर से क्या हो रहा था? ऐसा ट्राइंगल बन रहा था, नहीं ऐसा ऐसा बन रहा था, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज आ रही थी, है ना? अब उल्टा बना दिया, तो उल्टा तो सोच ही नहीं पाता दिमाग हमारा इतनी जल्दी, 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है,
ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है तेरा? 30 डिग्री के सामने वाली साइड अपोजिट साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड एंड दिस विल बी माय एडजेसेंट साइड। तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे एडजेसेंट साइड तो गिवन है, और मुझे निकालनी क्या है? अपोजिट। तो अपोजिट और एडजेसेंट, तनु अपोजिट एंड एडजेसेंट जो के साइड होती है, इनका रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है? अपोजिट और एडजेसेंट साइन, क्या फॉर्मूला होता है साइन का? मैं तो एडजेसेंट कह रहा हूं, मैं तो अपोजिट और एडजेसेंट कह रहा हूं ना, हाइपोटेन्यूज कहां कह रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं अपोजिट और एडजेसेंट का फॉर्मूला कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलेगा? अभी अभी आपने क्या कहा? साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज बोला, क्या बोला? ये बोला आपने। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज है ना, मुझे क्या चाहिए? अपोजिट और एडजेसेंट, तो साइन तो नहीं होगा, बताओ दूसरा। कोसेक, तो नीचे वालों में तो जाने की जरूरत ही नहीं है, कोसेक सेक कॉट ऊपर साइन कॉस टेन में से ही आ जाएगा, वैसे चाहो तो नीचे भी जा सकते हो, तो नीचे जाने की जरूरत क्या है? उल्टे रेशियो की सोचने की जरूरत है? फॉर्मूला याद नहीं है? फॉर्मूला याद नहीं है? कोड वर्ड याद है? क्या है कोड वर्ड? कोड वर्ड बताया था ना, फॉर्मूला याद करने का कोड वर्ड बताया था बेटा, नहीं है यार? अच्छा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी एक पिक्चर बनवाई थी, वो याद है? बोलो। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये पिक्चर थी बच्चों। अब इसके हिसाब से कोड वर्ड, कोड वर्ड कौन बताएगा? बोलो लीजा, बोलो कोड वर्ड। ओ ए ओ, तो थोड़ा जोर जोर, ओ ए ओ डिवाइडेड बाय एच एच, ये कोड वर्ड याद नहीं आपको? ओ ए ओ डिवाइडेड बाय एच एच ए। अब देखो वहां पे स्क्रीन पे, अगर याद नहीं है तो आज ही याद करो। ओ ए ओ डिवाइडेड बाय एच एच ए, साइन की वैल्यू होती है ओ बाय एच यानी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस की वैल्यू होती है ए बाय एच यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, और टेन की वैल्यू होती है ओ बाय ए यानी अपोजिट बाय एडजेसेंट, और जो नीचे वाले हैं कोसेक सेक कॉट, ये इन्हीं के उल्टे। कोसेक की वैल्यू हो जाएगी नीचे से पढ़ो एच बाय ओ, सेक की वैल्यू हो जाएगी नीचे से पढ़ो एच बाय ए, और कॉट की वैल्यू हो जाएगी नीचे से पढ़ो ए बाय ओ। ऊपर वालों के ऊपर से पढ़ो, नीचे वालों के नीचे से पढ़ो, रेसिप्रोकल करके पढ़ो। तो अब आपको किस किस का साइड का कॉम्बिनेशन चाहिए चेक करो, अपोजिट साइड का और एडजेसेंट साइड का। तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो किस किस में शामिल है, कौन से रेशियो में शामिल है? 10। देखो ये तो ओ और एच का रेशियो है, ये ए और एच का रेशियो है, आपको किस किस का चाहिए? ओ और ए का चाहिए। तो ओ और ए का रेशियो दिख रहा है, ओ और ए का रेशियो किस में मिला आपको? या तो 10 में या फिर उल्टा कर दें तो कॉट में, पर हम उल्टा क्यों करेंगे, हम सीधा ही करेंगे, 10 थीटा लगाते हैं फिर हम यहाँ पे। क्लियर है अभी सारी बात? अब नेक्स्ट टाइम आप नहीं अटकने चाहिए एनी किसी भी सूरत में, समझ गए? तो ये कोड वर्ड अगर आपको याद नहीं है तो इसको आज की तारीख में ही याद करना है। आइए, सो टेन थीटा, बोलो क्या अभी अभी फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो थीटा कितना गिवन है? 30 डिग्री, सो इट इज लाइक टेन 30 डिग्री, और अपोजिट साइड कौन सी है बेटा? ए बी, और एडजेसेंट साइड कौन सी है बेटा? बी सी। फाइन, टेन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ आरव, वन बाय रूट थ्री, करेक्ट? ठीक है, ए बी तो हमको पता करना है एज इट इज, छोड़ दो, और बीसी, बीसी की वैल्यू क्या गिवन है? देखो 30 मीटर, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे हम, ए बी इंटू रूट थ्री, ए बी रूट थ्री और 30 into 1 यानी 30, ठीक है। तो यहां से ए बी की वैल्यू आ जाती है, रूट थ्री को उधर भेज दे, 30 बन जा, 30 डिवाइडेड बाय रूट थ्री नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 30 के अंदर से भी रूट थ्री निकल सकता है ना, तो फैक्टराइज कर दो, 30 को क्या लिख सकते हैं बताएं, क्या लिख सकते हैं बोलो, क्या लिख सकते हैं? देखो 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 10, और 3 को मैं लिख सकता हूँ रूट थ्री इंटू रूट थ्री, समझ आया? तो फाइनल इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, रूट थ्री इंटू 10, सही है, रूट थ्री
इंटू रूट थ्री इंटू 10 डिवाइडेड बाय रूट थ्री, तो रूट थ्री से रूट थ्री खत्म, आंसर इज 10 रूट थ्री मीटर। क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा क्या, ये रैशनलाइज ही किया है मैंने बेटा, ये मैंने रैशनलाइज ही किया, इसको रैशनलाइज करेगा तो ऐसे ही कुछ होगा, देख 30 बाय रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री, तो ये हो जाएगा 30 रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री, रूट थ्री थ्री काटा तो 10 रूट थ्री, 10 रूट थ्री आया। रैशनलाइज करने का मतलब होता है उसको इरेशनल से रैशनल बनाना, अब किसी भी टेक्निक से बनाओ, ठीक है ओके। सो 10 रूट थ्री मीटर इज द फाइनल आंसर, हेंस क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर इज, और इससे पहले के गिवन पॉइंट्स आपको होमवर्क में मार्क कर दूं। नहीं, इससे पहले जो गिवन पॉइंट्स हैं ये तो मैंने डायरेक्ट 10 मीटर से स्टार्ट किया है, वो जैसे कि क्या लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सी पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड एंड द फुट ऑफ द टावर बी इज गिवन एज 30 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू हाउ मच, 10 रूट थ्री मीटर, यानी करीब 17.3 मीटर का ये टावर है, क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.73, 10 से गुणा करेंगे तो 17.3 आ जाएगा। डन क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाला तो हो चुका है, फिफ्थ वाला होमवर्क सभी का हो गया है, किसी का पेंडिंग है, बोलो किसी का पेंडिंग है, चेक कर लूं अभी मैं, जिसका नहीं हुआ ईमानदार से हाथ खड़े करो, इसके अलावा और कोई ईमानदार है यहाँ पे, उसके पास तो जवाब है, वो आया नहीं था कल, अभी नहीं आया था, तो कल हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। और फॉर द रेफरेंस यू कैन वॉच द वीडियो, ओके। चलो जी, सो क्वेश्चन नंबर 6 आज का आखिरी क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मतलब आज के क्वेश्चंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल ओवर एक्सरसाइज नहीं, अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने आज किए उसमें से ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, रीड आउट करें पहले एक बार, आपको मौका, आप पढ़ो और देखें कोई समझा पाता है क्या मुझे इसमें क्या, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों आपको ही एग्जाम में रीड करना है, आपको ही समझना है, आपको ही बनाना है। जब तक ये हमारा फ्लोर थोड़ा सूख नहीं जाता, सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो भी कचरा है आप अपनी जेब में डालें और बाहर फेंकें, जैसे ये रैपर्स हैं, क्योंकि अभी फिर से ये पानी आ जाएगा तो फिर ये कचरा वापस जम जाएगा, आज बड़ी मुश्किल से साफ हुई है ये, ठीक है, तो कोचिंग बड़ी मुश्किल से साफ हुई है, हालत आपको पता थी क्या थी इसकी, है ना, सूखने के बाद तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन गीले में प्रॉब्लम आती है और अभी इसमें नमी है, तो ये जो भी आप जो कचरा है इसको आप अपनी जेब में डालें और बाहर जाए, या फिर डस्टबिन में डालें, या फिर डस्टबिन में डालें, कोई पेपर ना फेंकें, कुछ भी ना फेंकें, मतलब क्लीन रखें आप, समझ आ गया, समझाओ, 1.5 है, 2 का है, 1.5 मीटर का लड़का है, आगे बोलो, ठीक है, बिल्डिंग के सामने खड़ा है 1.5 मीटर का लड़का, सुन लिया, आगे बोलो, बिल्डिंग के टॉप को, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा लेकिन बिल्डिंग को नहीं देख रहा होगा, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा होगा, टॉप पॉइंट को देख रहा होगा, हाँ, उसकी आंखों से टॉप के बीच में जो साइड जा रही है उसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, राइट, सही है, अभी देखते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है मैंने, पर शायद करेक्ट बता रहा है विनीत, आगे बढ़ो, जैसे जैसे वो बिल्डिंग पहले जिस जगह पे वो खड़ा था और वहां से उसने बिल्डिंग को देखा तो 30 डिग्री के एंगल पे उसका टॉप दिखाई दिया उसको, लेकिन जैसे वो बिल्डिंग के नजदीक गया तो बिल्डिंग के नजदीक जाकर और रुका और रुक के फिर उसने वापस अपना एंगल मेजर किया तो अब 60 डिग्री आ रहा था, अब क्या आ रहा था, तो अब आप खुद सोचो, देखो बैठो, जैसे जैसे अपन बिल्डिंग के नजदीक जाएंगे तो बिल्डिंग का टॉप वाला पॉइंट देखने में अपने को तकलीफ ज्यादा होती जाएगी, भाई दूर से किसी, जैसे कुतुब मीनार बहुत दूर है, अभी हम कुतुब मीनार विजिट करने गए, हमको गाड़ी से ही दिख गया कुतुब मीनार दिख रहा है, तो उसका टॉप भी दिख रहा है, उसका टॉप पॉइंट दिख रहा है ना, फिर थोड़ा नजदीक गए तो उसके टॉप पॉइंट को देख, वैसे उसका टॉप पॉइंट बिल्कुल ऐसे इस नजर से दिख रहा था आपको, गाड़ी में बैठे बैठे इस नजर से दिख रहा था आपको, पास में गए तो थोड़ी नजर ऐसे करनी पड़ी,
फिर थोड़ा पास में गए तो थोड़ी नजर और ऐसे करनी पड़ेगी, और बिल्कुल कुतुब मीनार के नीचे आ जाओ, फुट पे आ जाओ, तो ऐसे करनी पड़ेगी। दैट मींस जितना हम ऑब्जेक्ट के करीब जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। समझ आया? एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो 30 डिग्री था पहले, और जैसे हम नजदीक गए तो अब 60 डिग्री हो गया। यहां तक क्लियर है? अब सुनो, तो सवाल यह है कि वो लड़का कितने मीटर चला, मतलब वो पहले देख रहा था तो 30 डिग्री था, फिर थोड़ी देर के बाद 60 डिग्री था, तो कुछ चला होगा ना, वो कुछ मीटर वो चला होगा उसकी तरफ, तो कितने मीटर वो उसकी बिल्डिंग की तरफ चला, ये सवाल है। समझ आया? तो इसका फिगर बना सकते हो, करो ट्राई। बना दिया, दिखाओ, दूर से दिखा दो। बस एक ही ट्रायंगल बनाया, दूसरा नहीं बनेगा, इसी में बनेगा। मतलब ट्रायंगल तो ऐसा नहीं अलग दूसरा कोई ट्रायंगल बनेगा, एक ही फिगर के अंदर दो ट्रायंगल बनेंगे, बता रहा। हाँ, यस, वेरी गुड। और किसने बनाया? अरे बनाओ बनाओ, जैसा समझ आ रहा है बनाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, ऐसे ही तो सीखेंगे, ठीक है? किसी का टीप कर बनाने से 10 बार खुद का गलत करके बनाया करो, समझ गए? किसी का टीप कर एक बार सही बनाने से लाख गुना बेहतर है हम खुद का 10 बार गलत करके फिर बनाए, समझे ना? जो करीब करीब आप सबने सही करेक्ट फिगर बनाया है, देखो द फिगर विल बी लाइक दिस, कि ये तो है हमारी टावर, बिल्डिंग का टावर है ये तो, है ना? अब यहाँ पे लेकिन एक बात और है, शायद वो आपने फिगर में पता नहीं किसी ने मेंशन करी, नहीं करी आपने तो नहीं करी, आपका दिखाना फिगर, आपने भी नहीं करी, आपका दिखाना। 1.5 मीटर का क्या करोगे, बच्चे की हाइट भी दे रखी है, और मैंने कहा क्या कहा था, जब इंसान की हाइट देख दे, जो देख रहा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी हाइट दे दे, तो फिर हाइट का भी कुछ ना कुछ रोल होगा। नहीं देता है तो हम मान लेते हैं कि उस बिल्डिंग के सामने उसकी हाइट की औकात नहीं है, इसलिए उसने उसको कैलकुलेट करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन दे रखी है तो फिर उसका रोल आपको मानना है, उसका इन्वॉल्वमेंट रखना है क्वेश्चन में, समझे? तो उसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये तो है टावर, देखो अब एक बार स्क्रीन पे देखो सब लोग, ये तो है हमारा टावर या बिल्डिंग, जो भी नाम उसने दिया है, ये हमारी बिल्डिंग, और बिल्डिंग के सामने लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का, लाइक दिस, और थोड़ा छोटा कर दो, चलो ठीक है इतना तो करो, ये 1.5 मीटर का लड़का। अब लड़का यहां से देखेगा या यहां से देखेगा, पैरों से देखेगा या ऊपर से देखेगा, आंखें उसकी ऊपर होंगी या पैरों में होंगी, ऊपर होंगी, समझे क्या? ठीक है ना? अब अगर नहीं दी गिवन होती हमको हाइट, नहीं गिवन होती, अगर हमको लड़के की हाइट नहीं गिवन होती तो मैं यहां से बनाता एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे बना रहे थे बाकी क्वेश्चन में, लेकिन गिवन है ना, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ना बना के कहां से बनाएंगे बोलो, इसके टॉप से, लाइक दिस, समझे क्या? अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कैसे, देखो उसकी आंख किस जगह है, किस जगह है? अब अगर वो ऊपर ना देखे तो वो सामने देखे, अगर वो ऊपर ना देखे तो वो कहां देखे, ये उसकी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है और ये उसकी एलिवेटेड लाइन ऑफ साइट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नॉर्मल लाइन ऑफ साइट और एलिवेटेड लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, दैट मींस दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये बात समझ में आएगा सबको, समझ में आई? दिस एंगल इज 30 डिग्री। बढ़ते हैं आगे, कुछ डायमेंशंस भी नोट डाउन कर लो, ये कितना मीटर है, 1.5। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 1.5 मीटर है तो यहां से लेके यहां तक ये भी 1.5 ही होगा, बोलो जरा, ये भी 1.5 ही होगा, और बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है, 30 मीटर, तो 30 मीटर में से 1.5 तो यही रह गया, तो बची हुई हाइट ऊपर मिलेगी, कितनी मिलेगी, बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, बोलो 28.5 मीटर, यहां से लेके यहां तक की हाइट ही है, समझ आया क्या? ये यहां से लेके यहां तक की हाइट है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, बोलो, दिखाई भी दे रहा है? सो हो सकता है थोड़ा फिगर आपका गलत हो गया हो, पर दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, गलती कर करके सीखेंगे, मिटाएंगे ना हम उसको, तो हमको याद रहेगा एग्जाम में कि हमारा फिगर गलत है, ठीक है? कोई बात नहीं, आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है, पर हाँ फिगर पेंसिल से बनाया करो हमेशा, ताकि गलत हो तो मिटा भी सकते, है ना? और यह है हमारा ग्राउंड, यह है हमारा
ग्राउंड लेवल, पहली बार एंगल ऑफ एलिवेशन में ग्राउंड लेवल को ना कंसिडर करके थोड़ा ऊपर कंसिडर किया क्योंकि हाइट गिवन है। ओके चलो, ये तो था एक सीन। अब दूसरा सीन क्या है कि थोड़ा लड़का नजदीक गया, तो लेट से लड़का थोड़ा नजदीक गया तो मान लेते हैं, अभी हमको पता तो है नहीं कितना गया वो, तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं जाते जाते यहां पहुंच गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली हाफ में मत लगा देना, कई बच्चे इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का एग्जैक्टली हाफ में लगा देते हैं बिल्कुल नाप चोक करके। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि एग्जैक्टली हाफ में जाएगा, आपको पता नहीं है, तो पता नहीं है तो आप हाफ के अलावा कुछ भी लगा लो पर हाफ मत लगाओ। हाफ लगाने का मतलब तो ये होता है कि गिवन है कि हाफ गया है। ठीक है, तो यहां लगा दिया मैंने, चाहो तो हाफ के बाद लगा दो, चाहो तो हाफ से पहले लगा दो, लेकिन एग्जैक्टली हाफ मत लगाओ। लड़का यहां पहुंच गया, अब लड़के की आंखें कहां पर है, यहां या यहां, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनेगा या यहां से, तो सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा 60 डिग्री का वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि लड़के की नॉर्मल लाइन ऑफ साइट ये होगी और एलिवेटेड लाइन ऑफ साइट ये होगी, होगी इसके बीच का एंगल बोलो 60 डिग्री। डन। तो जितने भी गिवन फैक्ट्स एंड फिगर्स थे हमने सारे फिगर उसमें डाल दिए हमारे डायग्राम में, लिखना शुरू करें, अब बना लो ये फाइनल फिगर है हमारा, अब इसका नामकरण कर देते हैं चलो, है ना। तो लेट से टॉप ऑफ द टावर को तो ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, पिछले पॉइंट को लेते हैं सी और अगले पॉइंट को लेते हैं डी। क्लियर, पिछले पॉइंट को लेते हैं सी मतलब जो पहले पॉइंट पे था वो, और फिर बाद में वो नजदीक गया तो बाद में डी पे गया, पहले वो सी पे था बाद में वो डी पे गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप एरो मार्क से भी शो कर सकते हो कि ये लड़का इधर की साइड गया, तो ऐसे एरो बना दो, एरो बनाएंगे तो हमको ऐसे शो होगा कि लड़का इधर की साइड गया। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज डी। ठीक है, अच्छा देखो ये नीचे के तीन पॉइंट्स भी मार्क करने पड़ेंगे, सो वी कैन मार्क इट पी क्यू आर, पी क्यू आर, हो गए सारे पॉइंट्स मार्क। अब प्रेजेंटेशन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पॉइंट्स, एंड स्टार मार्क कर देना स्क्रीन को, बस वन स्टार कर दो। ओके आइए, हियर इट इज गिवन दैट, लेट्स राइट द गिवन, इसमें तो गिवन पॉइंट्स ही बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। हियर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले तो मैं सम सिंपल सी बात लिख रहा हूं, देखो हाइट ऑफ द बिल्डिंग और हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हाइट ऑफ द बॉय, ये दो सिंपल सी बातें लिखो, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। Yes, height of the building. Building की height को हमने क्या माना? As per the figure, AP है, याद रखना AB नहीं है, क्योंकि building तो जमीन से होगी ना, उसकी उसकी जो आंखें हैं वहां से तो ना शुरू हो रही होगी, बिल्डिंग तो जमीन से उसके पैरों से शुरू हो रही होगी, सो A से लेके P है height, building की height, ना कि AB, so that is AP is given as how much? 30 meter, and height of the boy, and height of the boy. क्या देखो हम बॉय को शुरुआत में तो सी क्यू पे खड़ा करेंगे ना, तो सबसे पहले तो हम सी क्यू ही लेंगे, फिर हम बाद में लिख देंगे कि सी क्यू और डी आर बराबर है, और सी क्यू डी आर बी पी तीनों ही बराबर है, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1, ये हम बाद में लिखेंगे, लेकिन शुरुआत में तो लड़का यहाँ खड़ा है ना, शुरुआत में हाइट अपन ये देंगे, हाइट ऑफ द बॉय दैट इज सी क्यू, दैट इज सी क्यू इक्वल टू हाउ मच। तो जैसे ये दो इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगी, सबसे पहले अपन लेंथ ए बी निकालेंगे या हाइट ए बी निकालेंगे ऐसे कहते, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, बोलो होगा, ठीक है। सो इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हमको पता लगा कि अगर सी क्यू 1.5 है तो ये डी आर और बी पी भी 1.5 होंगे ना, सो वी कैन से दैट डी आर इक्वल टू बी पी इक्वल टू किसके बराबर, सी क्यू इक्वल टू कितना 1.5, याद है, क्लियर। नाउ अब आप निकालो ए से लेके बी तक की लंबाई, नाउ ए बी, ए बी कैसे निकलेगी, ए बी ए से लेके पी माइनस पी से लेके पी, सही कह रहा हूं भाई, ए से लेके पी टोटल, उसमें से बी से लेके पी माइनस कर दो, सो ए से लेके बी आ जाएगा माइनस बी पी, सो एपी भी गिवन एंड बीपी भी गिवन, एपी कितना गिवन 30 मीटर गिवन, एंड बीपी कितना गिवन 1.5 मीटर गिवन, लेट अस सब्ट्रैक्ट 1.5 फ्रॉम 30 में से 1.5 जाएगा तो क्या बचेगा 28.5 मीटर, बोलो यहां तक कोई डाउट,
ठीक है डन, यहां तक क्लियर है? ओके, तो गिवन पॉइंट्स। अच्छा अब एंगल बाकी है बस लिखना है ना। तो एंगल हमको दो सिचुएशंस में दे रखे हैं, एक तो ओरिजिनली और एक कुछ मीटर चलने के बाद, ठीक है? एक तो ओरिजिनली गिवन है और एक कुछ मीटर चलने के बाद। एक काम करते हैं, वो जितने मीटर चला उसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? तो वो सी से लेके डी चला, तो सी डी की लंबाई हम मान लेते हैं एक्स मीटर, यहां से लेकर और यहां तक की लंबाई हम मान लेते हैं एक्स मीटर। डन, चलो इधर लिखो अब आप। नाउ नाउ एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, बोलो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टॉप ऑफ द टावर कौन सा पॉइंट है? ए, दैट इज ए। फ्रॉम कहां से? सी से। फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय, आईज ऑफ द बॉय कहां पे थी पहले? सी पे। फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय, और आईज ऑफ द बॉय पहले कहां थी? सी पर, दैट इज सी। इक्वल टू कितना गिवन है? 30 डिग्री। इसके सामने डाल दो, ये एंगल गिवन है। हाँ बोलो। सर पहले एंगल एंगल ए सी सी हाँ, उसका निकाले सर ट्राइंगल ए सी बी का निकाल रहे हैं ना पहले, वही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने सी 30 डिग्री मार्क किया ना, थीटा हो गया अभी। एक्स। अरे ये तो कितना मीटर वो चला उसको हम हाल फिलहाल के लिए एक्स मान लेते हैं, नहीं तो उसको बार बार लिखना पड़ेगा सी डी सी डी सी डी। तो कैलकुलेशन के अंदर सी डी सी डी लिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, हम सिंपली एक्स डाल देंगे, ठीक है ना? अभी फिगर में डालो उसको केवल, ठीक है? यहां तक क्लियर है? सर क्लियर है? अच्छा फिगर देखते ही सबसे पहले ये क्लिक किया था किसी को? ये तो सबको पता था दो बार ट्रिग्नोमेट्री लगनी है, ये तो सबको पता था दो बार ट्रिग्नोमेट्री किस किस ट्राइंगल में लगनी है, वो क्लिक हुआ? बोलो किस किस ट्राइंगल में? एक तो एबीसी में लगनी लगनी है, कोई रोक नहीं सकता। और दूसरा कोई इसको भी मान रहा है क्या? एडीसी को? एडीसी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो एक तो होगा एबीसी और एक होगा एबीसी, समझे? इन दो राइट एंगल ट्राइंगल में लगनी। तो अभी अपन एंगल सी कंसीडर किया है ना, तो अपन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए बी सी, ए बी सी, बी को बीच में रखो जहां 90 डिग्री बन रहा है ना, ए बी सी। सो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, गिवन पॉइंट्स लिखता हूं मैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा आप सही कह रहे हो कि इसको लेंथ को लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये लेंथ इधर होती। देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता ना कि वो चलने के बाद अब उससे टावर की दूरी कितनी बची है, यानी ये डिस्टेंस निकालनी होती डी से लेके बी, डी से लेके बी निकालनी होती, तो एक्स लेना कंपलसरी हो जाता। अभी इस केस में आप एक्स लोगे तो भी ठीक है, नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है? सी से लेके डी निकालना है, तो मैं सी से लेके बी निकाल लूंगा और डी से लेके बी निकाल लूंगा, माइनस कर दूंगा। तो एज सच कोई नीड नहीं है, माफ कर लिया कोई बात नहीं, बाकी हम नहीं भी करें तो चलेगा, ठीक है? यहां तक हो गया। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी कितना है? एंगल एबीसी कितना है? 90 डिग्री। और क्या क्या एंगल गिवन है? एंगल एसीबी कितना है? 30 डिग्री। उसके बाद बताओ ए से लेके बी, ए बी कितना है? 2.8, 28.5। और मुझे निकालनी कौन सी साइड है? ए सी, सर ए सी तो कुछ है ही नहीं, ए सी तो नजर है बस। सी डी, भव्या ट्राइंगल एबीसी में सी डी कहां से आएगा बताना जरा? ट्राइंगल एबीसी में तीन साइड्स आएंगी, ए बी बी सी ए सी, तो या तो ए बी बी सी ए सी में से ही कुछ निकालना होगा। तो ए बी तो गिवन है, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल ही नहीं है इसमें, कोई रस्सी थोड़ा बंधी हुई है जिसमें स्लाइड का क्या आएगा। तो ये तो नजर जा रही है उसकी, नजर ऐसे थोड़ा पूछ रहा है कि उसकी लाइन ऑफ साइट की लंबाई कितनी है, ठीक है? तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये बेस निकालना पड़ेगा सी से लेके बी, यानी कि बी सी निकालना हमारा टारगेट है, समझ आया? ओके, तो अब आ जाइए इसमें, मार्क कर दीजिए या मार्क ना भी करें ऐसे भी देख लो। 30 डिग्री के हमको क्या निकालना है? बी सी निकालना है, तो बी सी कौन सी साइड मानी जाएगी?
एडजेसेंट साइड, और ए बी गिवन है तो ए बी कौन सी साइड मानी जाएगी? अपोजिट। तो इन शॉर्ट अपोजिट गिवन है, एडजेसेंट निकालनी, अपोजिट गिवन है, एडजेसेंट निकालनी। अपोजिट और एडजेसेंट किस में मिलती है? टेन थीटा में मिलती है। लगा दें टेन थीटा, बोलो लगाएं। ठीक है, नाउ वी नो दैट, वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू, या टेन सी लिख दो, एक काम करो थीटा मत लिखो, सुनो थीटा इसलिए मत लिखो क्योंकि जब एक ही एंगल इन्वॉल्व हो तब तो अपन थीटा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ दो दो एंगल इन्वॉल्व है, एक बार सी और एक बार डी एक ही फिगर में, तो हम थीटा लिख देंगे तो कंफ्यूजिंग होगा, थीटा ये वाला या ये वाला है, तो अपन पूरा पूरा नाम लिख लेते हैं टेन सी टेन डी। अभी टेन सी लिख लेते हैं, अगले केस में क्या डाल देंगे? टेन डी। तो दो एंगल का इन्वॉल्वमेंट हो तो थीटा थीटा के पंगे में मत पड़ा करो, जो लेटर गिवन है जहां पे एंगल बन रहा है उसी लेटर को यूज कर लो। ठीक है, सो वी नो दैट टेन सी, बोलो फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी गिवन है? एंगल सी की वैल्यू देखो यहां से कितनी गिवन है, 30 डिग्री। सो टेन दैट इज टेन 30 डिग्री हो जाएगा, ये इक्वल टू अपोजिट साइड कौन सी है इसकी? ए बी, और एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? बी सी। यहां तक कोई डाउट? बोलिए। नो, अभी तरह स्पेस नहीं है तो आपको तो नीचे लिखना है, मैं सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं सामने लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है। टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू बोलो, 1/√3। ए बी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये रही 28.5 मीटर, डिवाइडेड बाय बी सी, तो पता करना है ना, तो बी सी बी सी रह जाएगा। तो यहां से बी सी की वैल्यू पता करो, बी सी इंटू वन बी सी, बी सी इंटू वन बी सी एंड √3 इंटू 28.5 करेंगे, सो क्या बनेगा ये 28.5√3 मीटर, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, ये तो केवल सी से लेके बी तक की लंबाई है। एक ट्राइंगल का काम ओवर, चलिए हम सेकंड ट्राइंगल में एंट्री मारें। ठीक है, बोलो चलें, इतना हो गया सबका नोट डाउन, सभी का? ठीक है, अब देखो यहां पे सेकेंड ट्राइंगल के लिए हम चेंजेस, देखो यहां तक तो ओवरऑल कुछ चेंजेस करना ही नहीं है, ये तो सेम है सबके लिए, यहां से चेंजेस करना है। अगेन देखो, इसमें चेंजेस करके बता रहा हूं मैं, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर तो वही रहेगा, लेकिन अब की बार आईज ऑफ द बॉय सी पे नहीं है, कहां पर है? डी पर है, समझे क्या? तो वो एंगल कितना है? 60 डिग्री, और उसको भी मैं डाल दूंगा गिवन। हो गया ये स्टेप, जल्दी समझ आया ना? अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ए फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय, पहले आईज ऑफ द बॉय सी पे थी लेकिन अब वो थोड़ा नजदीक जा चुका है, तो अब उसकी आईज यहाँ पे, ऐसा थोड़ा ना कि वो गया तो आंखें उधर ही छोड़ के गया, आंखें भी साथ साथ ही गई उसकी, तो पहले लड़का सी क्यू था, आज की तारीख में लड़का डी आर है, डी आर वाली पोजिशन पे, तो अब उसकी आंखें डी पर है, सो फ्रॉम द आईज ऑफ द पॉइंट डी आ जाएगा ना, एंगल डी पे अब 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, तो अब ट्राइंगल कौन सा कंसिडर होगा? ए बी डी, तो सी की जगह हो जाएगा डी, मैं इसी में चेंजेस करके बता रहा हूं, आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो, चाहो तो घर जाके लिख सकते हो, ए बी डी। तो ए बी डी ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले, तो ए बी डी एंगल, ए बी डी ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले ए बी डी एंगल कितना होगा बताओ? ए बी डी ट्राइंगल के अंदर ए बी डी एंगल 90 डिग्री, एंड उसके बाद ए डी बी, ए डी बी ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ए बी पहले भी 28.5 था, आज भी भाई देखो बड़ा ट्राइंगल लूं तो भी ए बी की वैल्यू 28.5 है, और छोटा ये वाला भाई, ये पूरा ओवरऑल ट्राइंगल ये ले लूं तो भी ए बी इतना ही है, और अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ना लेके ये वाला ट्राइंगल लूं तो भी ए बी तो उतना ही है, तो ए बी की वैल्यू सेम रहेगी 28.5 मीटर, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहां तक कोई डाउट? लेकिन अब मुझे बी सी नहीं निकालना, मुझे बी डी निकालना है, क्या निकालना है? बी से लेके डी, एडजेसेंट साइड आज की तारीख में बी डी है, सो बी डी के आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। डन, अगेन 10 ही लगेगा क्योंकि पहले भी अपोजिट और एडजेसेंट का रोल था, आज भी अपोजिट और एडजेसेंट का रोल, नहीं वो आप लगाते रहना अलग से, अपन ज्यादा तूफानी नहीं करेंगे। ठीक है ना, पहले 10 सी लगाया था, अब क्या लगाएंगे? 10 डी, क्योंकि अब डी पर बन रहा है एंगल, सो वी नो दैट 10 डी इक्वल टू
टेन डी इक्वल टू वही फॉर्मूला तो वही रहेगा अपोजिट बाय एडजेसेंट, 30 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे हम 60 डिग्री, ए बी अपोजिट साइड कल भी थी लेकिन एडजेसेंट साइड अब बी सी नहीं रही, अब क्या बन चुकी है वो बी डी बन चुकी है, क्या बन चुकी है बी डी, ठीक है। चलो टेन 60 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए √3 √3/1 या सिंपली √3 भी लिख सकते हैं, ये लो √3/1, ए बी की वैल्यू तो वही है और बी डी की वैल्यू आपको निकालनी है, सो बी डी की वैल्यू निकाल दें यहां से हम, क्या निकलेगी बता सकते हो? देखो बी डी इंटू रूट थ्री, अलग से सॉल्व करके बताता हूँ, चलो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, देखो इस तरीके से अरेंज हो चुका है √3/1 = 28.5 बी डी, ऐसे अरेंज हो चुका है। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी डी इंटू रूट थ्री हो जाएगा यहाँ तो, और उधर हो जाएगा 28.5 × 1, ऐसे ही होगा, तो बी डी की वैल्यू हो जाती है यहाँ से 28.5 × 1 करेंगे तो वही डिवाइडेड बाय √3, यहाँ तो कोई डाउट। अब ये बी डी की लंबाई आ गई, अब ये बी डी की लंबाई आ गई, चलें वापस फिगर पे। अब अपने को चाहिए डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये तो चाहिए नाउ डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये निकाल रहे हैं फाइनल चीज, डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग, डन। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने बिल्डिंग की तरफ, फिगर में देख के बताओ, सी डी कितनी तय करी, सी डी कितनी तो तय करी बोलो, सो दैट इज सी डी, ये पता करना है कैसे निकालेंगे, ये बी सी माइनस बी डी, समझ आया क्या? देखो सब लोग स्क्रीन पे, सब लोग देखो स्क्रीन पे, हमको ये सी डी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सी डी, ये सी डी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल बी सी माइनस बी डी, तो ये आ जाएगी सी डी, तो यहां से लेके यहां तक चला वो, तो पहले तो इसके और इसके बीच में कितनी दूरी थी वो निकाल लो, बाद में पहुंचने के बाद उसके और उसके बीच में कितनी दूरी है वो निकाल लो, दोनों का डिफरेंस कर दो तो पता चल जाएगा ना कितना वो चला। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जयपुर जाना है, अब यहाँ से जयपुर की अभी तक इनिशियल डिस्टेंस लेटर से 70 किलोमीटर है और मैं थोड़ी सी आगे पहुंच गया, किसी ने मुझसे पूछा कि अब कितनी दूर है जयपुर से, कई बार अपन पूछते ना कोई मिलने वाला होता है अब कहाँ पहुंचे, अब कितनी दूर है, तो मैंने मैप में देखे बताया, मैंने कहा कि अभी भी 50 किलोमीटर बता रहा है, तो यानी मैं कितना चला, शुरुआत में था 70 और फिर थोड़ी टाइम के बाद में 50 किलोमीटर अभी भी चलना है मुझे, तो 20 ही चला हूं मैं, समझ गया ना, कोई सेम नहीं है, टोटल में से अब की दूरी माइनस करो तो पता चल जाएगा कितना चले, ठीक है ठीक है। सो BC माइनस BD कर दो, BC की भी वैल्यू है ये चेक करो, ये BC की वैल्यू थी 28.5 √3 माइनस BD की वैल्यू क्या निकाली, अभी अभी निकाली तरोताजा, अभी अभी 28.5 डिवाइडेड बाय √3, डन। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकता हूँ, LCM लेना पड़ेगा, ले लो LCM, कौन कटेगा ये माइनस में कट जाता है, अगर ये इससे कटता भी होगा तो अभी क्यों काटूं, पहले फाइनल आंसर तो निकाल लूं, पहले ही काटना चाह रहे हो आप, तो पहले काटना चाह रहे हो तो फिर इधर ही काट दो, काट सकते हो आप, सही कह रहा हो, देखो आप ये देखो रूट थ्री से तो वो कटता है नहीं कटता, लेकिन थ्री से कटता है क्या, वो थ्री से तो कटता है ना, 3 9 = 27 एंड 3 5 = 15, तो फिर डू वन थिंग, आप इसको यही काट दो, अगर वो कट रहा है तो यही काटो, कैसे काटेंगे देखना, 28.5 में से 3 निकाल लिया मैंने, 28.5 में से मैंने क्या निकाल लिया 3, तो क्या बचा, 28.5 को 3 से डिवाइड करो, क्या बचा 3 9 = 27 15 3 5 = 15, कोई डाउट, डिवाइडेड बाय, और नेक्स्ट स्टेप में 3 को भी आप क्या लिख सकते हो √3, तो √3 से √3 कटा तो क्या बचा बोलो 9.5 √3, अब आप 9.5 √3 माइनस करो, वो ज्यादा आसान होगा, 28.5 √3 में से क्या माइनस करो 9.5 √3, समझ आया, ठीक है, सो √3 √3 तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस करो कोएफिशिएंट में से कोएफिशिएंट, 28.5 में 9.5 हो गए तो 28.5 में 9.5 हो गए तो
पॉइंट फाइव में से पॉइंट फाइव खत्म, 28 में से 9 गए तो 19, 19√3 मीटर फाइनल आंसर। चेक करो ठीक है क्या, समझ आ गया, क्लियर है सभी को, समझ आया? हाँ ये ले 28.5√3 - 28.5/√3, इसके नीचे 1, रूट थ्री और 1 का एलसीएम, √3/1, √3 × √3 = 3, सो ये हो जाएगा 28.5 × 3 - 28.5। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब इसमें से 28.5 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा, 28.5 तो ले लिया मैंने कॉमन, इधर से बचा 3 माइनस उधर से बचा 1 डिवाइडेड बाय क्या है √3, सो 3 - 1 क्या होता है 2, 3 - 1 क्या होता है 2, 28.5 × 2 करना 28, 28.5 का दुगना क्या होगा, 28 का दुगना क्या होता है 56, और 58 और है 57, 57/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दो, तो ऊपर भी √3 और नीचे √3, सो √3 × √3 = 3, तो 3 से काटेंगे तो 19 होगा। ठीक है, और कोई क्वेरी, और कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है काफी आज के लिए, चलिए तो बाकी कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।